ये खानदान के लक्षण हैं, ये आरोप लगाया है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर। राहुल गांधी इससे पहले संसद में हक कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आंख मारने की तस्वीरें भी उनकी सामने आई, लेकिन इस बार बात उससे कहीं आगे निकल गई है। बात है किस करने की, फ्लाइंग किस करने की महिला सांसदों की तरफ। यह आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जब वो बोल रही थी। स्मृति ईरानी के आरोप बेहद गंभीर हैं और इन आरोपों के साथ बीजेपी की कई महिला सांसदों ने अब बाकायदा इसे लेकर आधिकारिक चिट्ठी स्पीकर को लिखी गई है। स्मृति ईरानी ने क्या आरोप लगाया है, पहले आप उनका वो आरोप खुद सुनिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विद सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, याद सदन में देश को पता चले। तो सुना आपने, ये स्मृति ईरानी का वो दावा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सदन के अंदर संसद में किस किया गया, फ्लाइंग किस किया गया, जो कि संसद की गरिमा के खिलाफ है। किया नहीं किया, कब किया, कैसे किया, किस करने का अंदाज क्या था, यानी कि फ्लाइंग किस करने का अंदाज क्या था, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन क्या सदन में इस तरह के आचरण को स्वीकार्य माना जा सकता है, अगर दावे को सच माने। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। सर आप ही बताइए कि आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये चीजें हो रही थी कि राहुल गांधी सदन में आएंगे, बोलेंगे, वो आए, उन्होंने बोले, उन्होंने अपनी बात रखी, अलग अलग मुद्दों पर बोली बात, लेकिन ये मामला जो है अपने आप में थोड़ा हैरान करने वाला है और बात जो है थोड़ी अजीब भी हो गई, तो आप कैसे देखते सर इसको? मुझे ऐसा लगता है शेखर कि अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो राहुल ने जिस अंदाज में अपने संभाषण का की शुरुआत की और उस पर जो कुछ भी तथ्य रखा, वो ही कुछ ऐसे कंटेंट के बिंदु हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में राहुल गांधी को घेर लेंगे। लेकिन फ्लाइंग किस को लेकर के जो तात्कालिक तौर पर स्मृति जी की प्रतिक्रिया आई है, निश्चित रूप से उस प्रतिक्रिया के सभी पक्षों को, और जैसा कि आपने अपने सवाल में ही अपने शुरुआती तथ्य में ही कहा कि कितनी सच्चाई है इसमें और किस अंदाज में उन्होंने फ्लाइंग किस किया है, इस बात को देखा जाना चाहिए। लेकिन फ्लाइंग किस या कर रहे थे या नहीं, या उसका भाव क्या था, हमें शेखर फ्लाइंग किस के भी अपने 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 तरीके हो सकते उसको देखना चाहिए। अगर आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो फ्लाइंग किस एक अलग तरीके का जेस्चर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शिखर, और जिस मुद्दे को वो कह रही हैं कि ये महिला सम्मान के साथ है, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि 22 सांसदों ने जो है वो शिकायत दी है, महिला सांसद हैं। सवाल ये है कि अगर 22 लोगों ने ये दी है तो फिर विजुअली उसका प्रमाण जरूर स्पीकर देखना चाहेंगे। संसद में सीसीटीवी कैमरे तो हर जगह होते लगे हैं और संसद टीवी पर भी बाकायदा सब कुछ चलता हुआ देखा जा सकता है। उसको देखा जाएगा कि उनका भाव क्या था, हमें जो उनका भाव था उसको समझना। अच्छा, मान लीजिए सर, मान लीजिए कि ये एक तरीके से सेक्सुअली उस तरह का ओरिएंटेड फ्लाइंग किस अगर नहीं भी था, और मान लो ये हेलो हाय का जो तरीका वेस्टर्न कल्चर में अपनाया जाता है वो भी था, अगर मान लो एक बार के लिए, तो आपको लगता है कि सदन में इस तरह का बिहेवियर जो है वो ठीक है? कतई नहीं। बिल्कुल शेखर आपने सवाल ये किया, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं लेकिन कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे उसका सामान्यीकरण हो जाता है, बहुत सतह पर आ जाता है वो। जब उन्होंने मोदी को हक किया तो काफी उनके ये मतलब बोल्ड स्टेप माना गया, जो आई ब्लिंकिंग कर रहे थे और जिसको ये सारी चीजें कभी कभी जो है वो किसी भी पक्ष के लिए अगर कोई भी करता है तो वो मजाक का विषय बन जाता है। शेखर मुझे ऐसा लगता है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर जिस तरीके से राहुल गांधी बोले और जिस पे मैंने बाकायदा विश्लेषण भी देने की कोशिश की है, मेरा अपना मानना है कि इस पूरे मामले पर अगर उन्होंने फ्लाइंग किस किया है तो वेस्टर्न कल्चर का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी भले ही भारत माता का जिक्र करते हों और भारत में रचे बसे हों, और आप शेखर ये मत भूलिए को बोल रहे थे कि जब हमने शुरुआत की अपने भारत यात्रा के दौरान तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं या मैं भारत यात्रा क्यों कर रहा हूं। अपने आप में अगर 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद में अगर आप इतना सतही बात बोलेंगे, और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलना है, ये बहुत बड़ी बात कह गए वो। तो ऐसे में वो जब लास्ट
वो उन्होंने खत्म किया, और खत्म करने के बाद हो सकता है कि खुशी में वो फ्लाइंग किस दे रहे, क्योंकि उनके जो विजुअल आए जो उसके बाद में वो राजस्थान की तरफ निकले, उसकी जो तस्वीरें आई उसमें वो काफी खुश नजर आए। संसद में वो काफी आक्रामक थे, उनके अंदर रोष था मणिपुर को लेकर, और उन्होंने भारत माता की हत्या तक के उन्होंने जिक्र किया। लेकिन संसद से बाहर निकलते ही एक इस तरह का जेस्चर नजर आया जिसमें जैसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देने के बाद एग्जाम हॉल से निकलता है तो खुश होता है कि पेपर अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर देने का उसको आभास हो जाता हो और वो बहुत खुश हो। अभी कुछ ही, बिल्कुल सही सवाल है, और वीके न्यूज के इस सवाल पर जिसको आप उठा रहे हैं इसको समझना होगा कि वो राहुल गांधी जो 4 से 5 बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरी माँ की रोज हत्या हो रही है, मणिपुर में हो रही है और देश के अन्य भागों में हो रही है, और उस समय उनकी त्योरियां चढ़ी हुई थी, आप उस विजुअल को देखिए, और वही 5 मिनट के बाद जब वो समाप्त करते हैं तो खुशी का इतना भाव वो आह्लादित हो जाते हैं। मैंने कहा ना, एक आत्ममुग्धता इसी को कहते हैं, अपने पर इतना ज्यादा मुग्ध हो जाता है आदमी कि हमने तो कमाल कर दिया, हमने तो घेर लिया, सरकार को घेर लिया। शायद इस भाव में वो इतना खुश थे कि वो एक अंदाज उन्होंने दिया, अपना जो एक जेस्चर प्रस्तुत किया उसके कई मायने हो सकते हैं। और संसद में एक गरिमा की अपेक्षा की जाती है, और अगर कई महिला सांसदों ने उसे देखा कि वो उनकी तरफ इशारा करके फ्लाइंग किस कर रहे थे, और अगर वो विजुअली प्रमाणित हो जाता है तो फिर राहुल की किरकिरी होनी तय है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जिक्र अभी फिलहाल अगर लोकसभा के साथ इसको जोड़कर करते हैं तो बड़ा मुश्किल में राहुल गांधी का एक कमबैक हुआ है। और मान लो ये चीज साबित हो जाती है कि इस तरह का उन्होंने कोई जेस्चर दिया है, क्योंकि अभी तो आरोपी है, तो उस हालत में किस तरीके से चीजें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि लेटर पहुंचा है, चीजें ऑफिशियल हुई हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण सवाल शिखर आपने किया, और मैं यही कहता हूं कि इतनी हल्की बातों के बाद भी राहुल गांधी में एक बड़ा विकल्प देखना प्रधानमंत्री के तौर पर, शायद यहीं पर भूल होती है। और चूंकि हम लोग लोकतांत्रिक दायरे में रह करके विपक्ष को मजबूत होना है, और एक ऐसे नेता के द्वारा मजबूती का जो दावा किया जाता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर ऐसा हो, लेकिन राहुल गांधी को इसका कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि वो तो ये कहेंगे कि हमको प्रेजेंट ही नहीं करने दिया जा रहा था, हम इतनी बात कह करके कम से कम ये साबित कर पाए कि मणिपुर के बहाने पूरे देश की हत्या हो रही है। ये कुल मिलाकर ये सर वैसा ही हो गया जैसा राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को हक किया था। हक करने के बाद में ये माना गया कि बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया कि अपनी चेयर को छोड़कर जाकर प्रधानमंत्री को हक कर लेना, और उसके बाद में लग रहा था कि आज तो राहुल गांधी ने छक्का मार दिया, कुछ सेकंड में उन्होंने आंख मार दी, आंख मारने के बाद में पूरा खेल जो है वो पलट गया एक तरीके से। इस बार भी उन्होंने कई सारी बातें कही, लेकिन वो फ्लाइंग किस का मुद्दा या आरोपी आप कह लीजिए आया सामने। तो आपको क्या लगता है कि अब जब कल प्रधानमंत्री बोलेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी क्या राहुल गांधी के फ्लाइंग किस का भी जवाब अपने अंदाज में, क्योंकि राहुल जो इस तरीके से मोदी ने वो आंख वाला जो पूरा जेस्चर किया था, जिस तरीके से उसको फनी अंदाज में उन्होंने वो एक तरीके से एक्ट किया था, क्या आपको लगता है कि फ्लाइंग किस के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी को घेर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है शेखर, एक बार फिर आपने एक महत्वपूर्ण सवाल किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसका जिक्र करेंगे नहीं, और करेंगे तब, क्योंकि अभी भी फ्लाइंग किस को किस अंदाज में उन्होंने किया है, किसको किया है, किसकी तरफ संकेत करके किया है, हालांकि फ्लाइंग किस जैसा जेस्चर प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिए सांसद को, वो भी मणिपुर जैसे त्रासदी के मुद्दे पर बोलने के बाद। कोई आदमी 5 मिनट पहले उसको इतनी परेशानी हो रही है किसी मुद्दे पर व्यक्त करने, उसको पीड़ा व्यक्त कर रहा है, महिलाओं का जिक्र कर रहा है, महिलाओं का ही जिक्र कर रहा है, और वो आदमी विद इन मिनट्स जब अपनी बात रख देता है और जब बैठता है उसके बाद खड़े होकर के अधीर रंजन को ऐसा देखने में आ रहा है, कुछ ऐसे अगर वो वीडियो, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बता दें कि दरअसल इस पूरे प्रकरण के बीच में कुछ वीडियोज भी सामने आए हैं, वीडियोज जो है जो फैक्ट चेकर तथा कथित है जो अपने आपको फैक्ट चेकर बताते हैं उन्होंने उनको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है, इस दावे के साथ में कि दरअसल स्मृति ईरानी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप इस वीडियो के आधार पर लगाया है, जिस वीडियो में राहुल गांधी जो है आप देख भी सकते हैं उस वीडियो को, जिसमें राहुल गांधी ओम बिरला की तरफ को इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको यह भी जानना होगा कि ये दावा जो है तथाकथित फैक्ट चेकर्स की तरफ से किया गया है, जुबेर नाम से, आप में से कई लोग जानते भी होंगे। अब फैक्ट चेकर ने राहुल को कवर अप करने के लिए इस खबर के वायरल होने के साथ इसको प्रेजेंट किया है, या फिर स्मृति ईरानी ने इसी का जिक्र किया था, या स्मृति ईरानी ने कोई और घटना जो है वो देखी है वो इस वीडियो में नहीं दिखाई पड़ रही है, ये तमाम चीजें जांच के साथ सामने आएंगी। लेकिन
अगर ये वीडियो है तो ये आपके सामने है, अगर कोई और वीडियो है तो संभवतः वो भी जल्द ही आपके सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर सर ये है कि अब आगे इस मुद्दे पर आप किस तरीके से देखते हैं चीजें आगे बढ़ेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल की किरकिरी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा जो एक्शन के रूप में कोई ऐसी बात आएगी मुझे ऐसा नहीं लगता है। इस मामले का को ये कहा जाएगा कि आप सदन में अगर ऐसा व्यवहार करते हैं तो आपने इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, और अगर ओम बिरला की तरफ से ये बात रखी गई सदन में तो फिर तो राहुल गांधी की किरकिरी होनी तय है। कई बार सरकार के मंत्री जो है कई बार निंदा को लेकर काफी अड़ भी जाते हैं। निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन किस तरीके से ओम बिरला जी इस मामले को लेते हैं, और फिर कह रहे हैं शेखर फिर मैं कह रहा हूं कि फैक्ट चेकर्स की बात छोड़ दीजिए, अगर इतने बड़े एक्शन की दरकार है जैसा कि आप भी फील कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी के उस जेस्चर को देखा जाएगा, वो जो एक्शन मॉड है जिस अंदाज में वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं उसको देखा जाएगा और उसके बाद एक्शन होगा। मुझे लगता है कि राहुल को थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाएगी, ऐसे में जो कंटेंट वो पेश कर रहे थे उसको तो सतह पर लाने में ये जेस्चर जो है वो बड़ा काम का होगा जब बीजेपी के नेता बोलेंगे या जब पीएम बोल रहे होंगे। जिसको राहुल गांधी ने आरोप लगाया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि हजारों करोड़ रुपए जो है मुझे पप्पू बनाने के लिए खर्च किया गया, तो यहाँ राहुल गांधी खुद ही एक तरीके से मौका दे रहे हैं, खुद मौका दे रहे हैं और वो मौका दे चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब गुरुवार को प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे तो बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें फजीहत होने वाली है कांग्रेस की। लेकिन ठीक है, विपक्ष के नेता के तौर पर वो प्रस्तुत हुए हैं और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, उसके फैक्ट चेकर्स उसका वो पक्ष भी दे रहे हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जितने भी पहलू अवेलेबल हैं वो तमाम पहलू जो है वो पहुंचाए जाएं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कम से कम फ्लाइंग किस करने का वो कोई समय था नहीं, और अगर उन्होंने ओम बिरला की तरफ ही इशारा करके किया है तो भी उसके कोई मायने नहीं, तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि चेयर पर बैठे हुए उनके उसके मायने ही नहीं है। कर सकने में ऐसा तो नहीं है कि उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन निंदा अगर होती है इतने गहरे मुद्दे पर जहां वो सदमे में दिख रहे हैं, आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज, राजनीतिक तौर पर एक छवि की हानि होगी, निश्चित रूप से होगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अब इस मामले को लेकर क्या सफाई देती है, इसको लेकर क्या इस पर बीजेपी पर हमलावर होती है, और बड़ी बात यहां पर यह भी है कि क्या प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को मौका पाकर लपक लेंगे जब वो बोलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी के दावों में, दावों पर आपके जो भी राय हो उसे नीचे आकर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।